अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऑल फ्लूड्स एग्जर्ट, ठीक है, सभी फ्लूड्स जो हैं वो आपका क्या लगाते हैं, जो आपका तरल पदार्थ हैं, ठीक है, वो तरल पदार्थ आपका क्या करते हैं, हर दिशा में इक्वल फोर्स लगाते हैं, बराबर दाब सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में बराबर दाब, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 17, लिक्विड प्रेशर जो आपका तरल दाब है ये आपका किस पे डिपेंड करता है, पी का फॉर्मूला आपको पता होगा, पी इज इक्वल टू रो जी एच, क्या है, पी इज इक्वल टू रो जी एच, तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये, एच पे, यानी जो उसकी ऊंचाई है, इस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका जो ऊंचाई है उस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ये बर्तन में था, हमने देखा था ना, बर्तन में आप रखेंगे तो यहाँ पे ये इतना जो इसकी हाइट है, ठीक है, तो उस पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है, फॉर्मूला आपका क्या है, P इज इक्वल टू रो जी एच, यानी जो लिक्विड कॉलम है उसकी ऊंचाई पर ये क्या करता है, उसकी ऊंचाई पर ये आपका निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द विस्कस फोर्स, संयांता बल जो है किस पर डिपेंड नहीं करता है, सबसे पहले तो आपको संयांता बल का देखना पड़ेगा, संयांता बल ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, इस पे, ठीक है जी, ईटा यानी तरल की प्रगति पर, ए यानी एरिया, डी वी बाई डी एक्स यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो किस पे डिपेंड नहीं करा इसने, इसका आपका वेग पे डिपेंड नहीं करा है, जो संयांता बल है, ये संयांता बल, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, जो संयांता बल है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हॉट सिरप फ्लोज फास्टर बिकॉज इट्स, ओके, जो गर्म हमारा जो सूप है या चाशनी जो है वो तेजी से बहती है, हालांकि शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो जो इसका, लेकिन हम कर सकते हैं यहां से, सरफेस टेंशन से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर आपका आ सकता है, जो इसकी विस्कोसिटी है, ठीक है, वो विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाती है, विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी, जैसे आप शहद को गर्म करें, शहद को गर्म करने के बाद उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी विस्कोसिटी आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है, इसलिए वो तेजी से क्या होती है, तेजी से आपकी फ्लो होती है। विस्कोसिटी हमने पढ़ा है द अपोजिंग फोर्स इन टू लाइंस या टू लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है, तो जो आपका फ्लूड में है या जो फ्लूड अगर किसी अदर जो आपका मेटेरियल है उस पर अगर चल रहा है तो उनके बीच जो आपका क्या है अपोजिंग फोर्स है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका विस्कोसिटी कहलाता है, तो गर्म करने पर जो आपकी विस्कोसिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, अभी भी बहुत टाइम बचा है, देखिए अभी 10, 12, 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी इनको करेंगे हम, ओके। क्वेश्चन है, सडन फॉल इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर बाय ए लार्ज अमाउंट शोज, वायुमंडलीय दाब में अचानक बड़ी मात्रा में गिरावट से पता लगता है, क्या पता लगता है, तूफान का पता लगता है, किसका पता लगता है, तूफान का, ठीक है, जैसे ही आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अचानक से आपका डाउन हो जाए तो वो तूफान का आपका इंडिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जो संयांता है वो क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था आप तापमान को बढ़ाएंगे तो जो संयांता है, जो विस्कोसिटी है, वो विस्कोसिटी आपकी डाउन हो जाती है, यानी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे आप तापमान को बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पर जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाती है, विस्कोसिटी आपकी डाउन हो जाती है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड की आप अगर बात करेंगे तो तापमान बढ़ाएं, विस्कोसिटी आपकी डाउन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइन, ओके, ये आपका क्या है, संयांता जो है, जितना आपका ज्यादा गाढ़ा होगा, जितना आपका विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतना वो देर में बहेगा, ठीक है, संयांता कम होगी तो वो आपका क्या करेगा, जल्दी से आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आपका फ्लो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड एंड वाटर, जो आपकी संयांता है, ब्लड माने रक्त, वाटर माने पानी, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है, दोनों बराबर हैं, नहीं, वाटर इज मोर विस्कस देन ब्लड, नहीं, यस, ब्लड इज मोर विस्कस, जो रक्त है उसकी विस्कोसिटी आपकी ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, पानी के रेस्पेक्ट में,
तो रक्त का जो आपका ब्लड है, ब्लड की आपकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ब्लड इज मोर विस्कस देन वॉटर, जो रक्त है वह पानी की अपेक्षा अधिक शान है। क्वेश्चन नंबर 24, द हाइएस्ट विस्कोसिटी, जो उच्च संयानता है, हाइएस्ट विस्कोसिटी उच्च संयानता अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, द हाइएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, इन सब में सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक आपका हनी है, शहद। आंसर ब्लड, रक्त, वायु, पानी, ठीक है। तो सबसे अधिक जो आपका विस्कस है वो विस्कस आपका कौन सा है, वो विस्कस आपका हनी है। क्वेश्चन नंबर 25, आपको इसकी बीमा बतानी है, बीमीय सूत्र संयानता का, संयानता का बीमीय सूत्र आपका कितना होता है, याद करना पड़ेगा आपको। बयान संयानता का जो आपका बीमीय सूत्र है वो है ML-1T-2, कितना है ML-1T-2। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द एसआई यूनिट, ठीक है, उसका मात्रक, संयानता का, संयानता का जो मात्रक है वो आपका क्या है, पॉइज, ठीक है, कितना है, संयानता का जो मात्रक है वो आपका कितना है, पॉइज ले, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27, फ्लूइड्स आफ्टर रेजिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, प्रवाही पदार्थ आंतरिक घर्षण के कारण गति के प्रतिरोध को प्रस्तुत करते हैं, ये फ्लूइड वाले केस में है, ओके, फ्लूइड वाले केस में इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड वाले केस में हम बोलते हैं इसको विस्कोसिटी, क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, संयानता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट हैपेंस टू द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर सांद्रता में कमी आ जाती है तो द्रव की संयानता का क्या होता है, जैसे अब आप शहद है, शहद में आप पानी मिलाते रहो, ठीक है, उसका जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, जो उसकी संयानता है वो डिक्रीज हो जाएगी, शहद में अगर आप पानी मिलाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन जो है आपका क्या करेंगे, कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम होने से जो उसका आपका क्या है, संयानता है, वो संयानता आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सांद्रता में कमी के साथ द्रव की संयानता आपकी क्या हो जाती है, द्रव की संयानता आपकी घट जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बर्नौली थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर, बर्नौली थ्योरम आपका किस पे लगता है, बर्नौली थ्योरम जो लगता है वो आपका लगता है गैर संपीड्य लिक्विड नॉन कंप्रेसिबल द्रव, ठीक है, किस पे लगता है, नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड, ठीक है, एक तो आपका किस पे लगता है वो, अगर हम बात करें तो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, धारा रेखी प्रवाह में होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, फिर दूसरा आपका होता है कौन सा, वो नॉन कंप्रेसिबल आपका होना चाहिए, तीसरा जो है वो होना चाहिए क्या, लेस विस्कस, ठीक है, नो विस्कस आपका होना चाहिए, ये तीन जो हैं ये आपके उसकी कंडीशंस हैं बर्नौली थ्योरम की। बर्नौली थ्योरम आपको पता है जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा किसी भी फ्लूड की आपकी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, तीन तरीके की एनर्जी होती है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अभी मैंने आपको बताया एनर्जी के और टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो जो बर्नौली का सिद्धांत है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट बर्नौलीज थ्योरम, बहुत आसान, तो आपको खुद कर लेना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर आपका कितना है, इसका आंसर है पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये आपका प्रेशर एनर्जी, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत फिगर याद आ रहा हो तो इस तरीके का कुछ बना हुआ था हमारी बुकों में, ठीक है, यहाँ पे हाइट H1, इधर हाइट आपका H2, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर P1, वेलोसिटी V1, यहाँ पे प्रेशर P2, यहाँ पे वेलोसिटी V2, तो यहाँ से जब आप करेंगे तो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 32, बर्नौली समीकरण, ओके, किसके लिए, अभी मैंने आपको बताया बर्नौली जो समीकरण है वो आपका किसके लिए होता है, वो होता है आपका धारा रेखी प्रवाह के लिए, निम्न संयान आपका होना चाहिए, असंपीड्य तरल होना चाहिए यानी लो विस्कोसिटी होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल फ्लूड होना चाहिए और स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, ठीक है,
ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आपका 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 33, एनर्जी फॉर्म ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, इट इज द सम ऑफ, अभी मैंने आपको बताया ये किसका आपका सम है, ये प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, ऑप्शन नंबर 4, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम देखते हैं भाई, इनकी आपको क्या मिलानी है, इनका आपको जो मिलाना है वो मिलाना है यूनिट्स। ओके मिलाएं जी फिर तो। थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गलत दिख रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यहाँ पे गलत दिखाई, पास्कल है, वैसे तो पास्कल सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर आपका क्या बन के आ गया, प्रेशर आपका ये बन के आ गया, ठीक है। सरफेस टेंशन का भी हम देखते हैं, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी आपका ये बन के आ गया, यह आपका यहाँ चला गया, ये आपका इधर आ गया, ठीक है। तो यहां से आपका बन के आ गया, प्रेशर जो है वो आपका क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है। और उसके बाद जो सरफेस टेंशन है वो आपका ये है, विस्कोसिटी का आपका देख रहे हैं डेका पॉइज आप देख रहे होंगे, और विस्कस ड्रैग का आपका न्यूटन होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 35, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो आपको याद करना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10^3 kg पर मीटर क्यूब। याद क्या करना है आपको, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका मैक्सिमम होती है और वैल्यू कितनी होती है, 10^3 kg पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने 35 क्वेश्चंस कर लिए, आपके कितने हुए आप हमें जरूर बताएं, और मेहनत कीजिए, हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।